है फिर मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम, ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है, मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था, बहुत स्वादिष्ट। केक, शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है, तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी, यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को, मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा, और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब यह नीले से लाल हो गया है, कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा, मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ, और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। यह सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है, और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है, और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। यानी जितना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। पर न्यूटेला तो कमाल का है, मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है, ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है, न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूँगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये मुझे भी खाना है। अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है, पर यह बढ़िया है, कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मेयोनीज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है, अब आओ भी आखिरकार। लेकिन यह घिनौना लग रहा है, मेरे केक में कुछ गड़बड़ है, शायद ये काफी नहीं है, दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं ये रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है, मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केक, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो।
मेरे पास फालतू समय नहीं है, मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? ये काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है, यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी, तुम्हारा केक, ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है, मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होऊंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है, मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं, बनी और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही करे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। हा, 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 हा। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भींग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, बेवकूफ पानी। टॉम, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरा नुकसान हुआ, हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मैं बहुत सारे चॉकलेट बना पा रहा हूँ, जिसे हम काफी दिनों तक खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में घोल के लिए पर्याप्त लिक्विड नहीं है। नहीं, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। नहीं, मैं कुछ बर्बाद नहीं करूंगी। ओ, देखो चॉकलेट में स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ हो रहा है, यह हिल रहा है। यह चॉकलेट ब्लास्ट हो गया। वैसे अब तुम्हारा पूरा चेहरा चॉकलेट से ढका हुआ है। और तुम्हारा भी। अजीब है, मेरा आईफोन भी चॉकलेट की तरह भूरा हो गया है। सुनो, यह चॉकलेट है और स्वादिष्ट भी है। क्या सच में? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खाकर देखने दो। बिल्कुल, यह सच में स्वादिष्ट चॉकलेट है। वाह, देखो यह असली सोना है। मेरे पास भी ऐसा ही है, लेकिन हम में से किसके पास चॉकलेट है? मेरे बार से स्वादिष्ट महक आ रही है, इसलिए शायद मेरा वाला। चलो खा कर देखते हैं। वाह, मेरा चॉकलेट है और मुझे किसी सोने की जरूरत नहीं है। क्या सच में? शायद मुझे भी चॉकलेट बार मिला हो, मुझे पता करना होगा। तो कैसा है, चॉकलेट है, पसंद आया? नहीं, देखो मेरे दांत टूट गए, अब मैं कैसे कुछ खा पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। किसी को पता नहीं है, पर मैं असल में एक डेंटिस्ट हूँ। अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा। मुझे तुम्हारे दांत की जरूरत नहीं है, मेरे पास बेहतर आइडिया है। इधर आओ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, यह तो मेरा फर्ज था, आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ। चलो आँख बंद करके ढक्कन खोलते हैं, ये मजेदार होगा।
एलेक्स कितना बुद्धू है। अरे नहीं, मैं ये तीखी मिर्च नहीं खाऊंगी। लेकिन एलेक्स इसे मजे से खाएगा, उसे इस मिर्च से निपटने दो। एलेक्स अब अपना ढक्कन खोलो, मेरे पास चॉकलेट मिर्च है। ओ नहीं, मुझे मिर्च मिली है। शायद ये बहुत तीखी हो, लेकिन तुम्हें यह पहले से ही पता होना चाहिए। तब तक मैं अपनी मीठी मिर्च के मजे लेती हूँ। मेरे पास शुद्ध चॉकलेट मिर्च है। अब यह स्पष्ट है कि मुझे अपनी मिर्च खानी होगी। अजीब बात है, यह बिल्कुल तीखी नहीं है। अरे देखो, इसके अंदर चॉकलेट है। अगर मेरा चॉकलेट है तो फिर तुम्हारा क्या है बार्बी? इसके अंदर क्या है? यह तीखी मिर्च है। बचाओ, मदद करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मदद कैसे करूं। हालांकि मुझे लगता है कि पानी से तुम्हें राहत मिलनी चाहिए। यह बहुत तीखी है, बदतर होते जा रहा है। तो फिर रखो, मैं अभी आता हूँ। जब तक तुम वापस आ रहे हो, मैं खुद संभाल लेती हूँ। फिर स्प्रिंकल्स ने मेरी मदद की। यहाँ, मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए बाल्टी भरकर दूध लाया हूँ। अपनी आँख बंद करो। नहीं, मैंने तुम्हारे बिना भी सब संभाल लिया था। वाह, पॉपिट, बहुत बढ़िया। हम इसे पॉप कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी पॉपिट पसंद है। पर क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा है कि हम दोनों को पोक कर रहे हैं? इनमें से एक चॉकलेट होना चाहिए। पर मैं अपना काट भी नहीं सकती। देखो, इस पर एक चिन्ह बना हुआ है। प्रश्न चिन्ह मेरे एक बटन पर भी है। चलो इसे दबाते हैं। वाह, अब यह हुई ना बात। अब मेरे पास ना केवल रबर का खिलौना है, बल्कि चॉकलेट कोला भी है। और वैसे इसके अंदर बहुत सारा चॉकलेट है, और यह बहुत स्वादिष्ट है। जाहिर है, दूध वाला। और यह मेरा फेवरेट है। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट और पॉपिट को कैसे जोड़ा जाए। यह पॉपिट चॉकलेट को एक आकार में ढालने के लिए एकदम सही सांचा है, और इसके लिए बस एक साधारण फ्रिज की जरूरत है। हो गया। और अब मेरे पास एक बढ़िया और स्वादिष्ट चॉकलेट है। कम से कम इसे मुझे चखने दो। नहीं, मैं तुम्हारे बिना भी इसे संभाल सकती हूँ। और तुम बैठकर मुझसे जलते रहो कि मुझे क्या मिला है। लालची। वैसे मैं इतनी देर से क्यों बैठा हूँ? मेरे पास भी कोला है। मैं भी इसे पॉपिट में डालकर कुछ स्वादिष्ट बना सकता हूँ। जरूरी है कि इसे फ्रीजर में डालना ना भूले। एक साधारण कोला से क्या होगा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे, चोट लग गई। देखो तुमने क्या किया है। ओ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। बस मैं जल्दी में था और अपना कोका कोला लॉलीपॉप को खाना चाह रहा था। ये स्वादिष्ट दिख रहा है, मुझे भी खाने दो। बिल्कुल, यह लो। मैं लालची नहीं हूँ। इसके अलावा यह लॉलीपॉप बहुत चिपचिपा है, इसके बजाय मैं तुम्हारी चॉकलेट खाऊंगा। ओह, मेरे बिना तुम अभी भी इसको छुड़ा नहीं पा रही हो। तुम्हें स्पष्ट रूप से मेरी मदद की जरूरत है। मुझे लगता है यह मजेदार था। सच में मजेदार था। अरे यार, कैक्टस, मुझे ये नहीं चाहिए था। मेरे पास भी कैक्टस है। जरूर ये बहुत कांटेदार होंगे। ओह, सच में बहुत नुकीले। सच में? फिर मुझे अपने कैक्टस की जांच करनी होगी। आशा है कि चुभे ना। बिल्कुल, मैं इसके कांटे को खा भी सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। यह कांटे नहीं है, बल्कि स्वादिष्ट कुकीज है। और यह सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं और सब स्वादिष्ट। यह अंतिम वाला मेरा। ओह, अब मेरे कैक्टस में कोई कांटा नहीं है। लेकिन आशा करती हूँ कि इसका स्वाद इस तरह से भी अच्छा होगा। बहुत स्वादिष्ट। और अब तुम्हारे दांत भूरे हो गए हैं। अब बातें बंद करो और अपना खाओ। मेरा कैक्टस असली है, इसलिए इसे खाना इतना आसान नहीं है। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, ताकि कांटे इस खाने में दिक्कत पैदा ना करें। बस इसे शेव करना होगा। उफ, सारे कांटे मेरे तरफ उड़ कर आ रहे हैं। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मेरे पास ये गंजा कैक्टस है। पर इसे काट कर क्यों खाना, अगर इसे रस निकाल सकते हैं। और इसके लिए मेरे पास एक विशेष नल भी है। यह भयानक है। मैं भी पीकर देखना चाहती हूँ। मुझे दो। लो, सब पी लो।
कितना खराब, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने चेतावनी दी थी, यह बहुत ही खराब है। यह अब तक का सबसे खराब जूस है जो मैंने पिया है। अरे वाह, नया आईफोन। अगर तुम्हारे पास असली है तो मेरे पास चॉकलेट है। हाँ, यह सच में 100% चॉकलेट है। देखो, यह दुनिया का पहला आईफोन है जिसे मोड़ा जा सकता है और साथ ही साथ इसे खाया जा सकता है, और यह स्वादिष्ट भी है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चॉकलेट आईफोन अच्छा है, लेकिन नहीं, यह अच्छा तब होगा जब जो चाहे वह ट्रीट निकाल सकते हैं और खा सकते हैं। क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ? नहीं, मैं खुद ये सारे कैंडी खाना चाहती हूँ। ओह, कॉकरोच, ये खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। एलेक्स, ये ले लो, एक दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉकरोच, बचाओ। ओह छी, ये एक असली गंदा कॉकरोच है, और अब ये तुम्हारे सिर पर है। एलेक्स, क्या? नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकते, हटो। क्या, मैंने उसे भगा दिया। हाँ, और इनाम के रूप में हम ये सारे कैंडी खा सकते हैं। वाह, बार्बी, देखो ये असली कैमरा है। अच्छा सुनो, मेरा एक फोटो क्लिक कर दो, मुझे भी एक अच्छी फोटो चाहिए। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा निकला। एलेक्स, क्या आप तुम मेरी तस्वीर ले सकते हो? मुझे भी एक अच्छी फोटो चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। ये बहुत ही मजेदार निकला। मजेदार, दिखाओ जल्दी। ओ, तुमने ऐसी तस्वीर क्यों ली? मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी तस्वीर खींची थी। वाह, ये दुखी होने का समय नहीं है, मेरे पास चॉकलेट कैमरा है और ये जरूर स्वादिष्ट भी होगा। क्या तुमने देखा, उसने चश्मा को चॉकलेट का बना दिया। मैं सिर्फ इसे देखूंगा ही नहीं, मैं उसे खाऊंगा भी। तुम शायद मेरे लिए भी एक टुकड़ा दे सकते हो। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, अब मैं अपने जूते को चॉकलेट का बनाऊंगी। क्या अच्छा आइडिया है। वाह, अब मेरा पुराना जूता स्वादिष्ट चॉकलेट है, ये बहुत अच्छा है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? प्लीज दे दो ना, मेरा बहुत मन है। मैं उसके बदले में तुम्हें अपना कैमरा दे दूंगा। No. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर मैं ये कैमरा खुद ही चुरा लूंगा। नहीं, ऐसा करने की गलती भी मत करना। उफ, यह क्या हुआ, लगता है कि बातूनी बार्बी अब मुझसे बात नहीं कर पाएगी। मैं इसे खा भी सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, ये बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट भी। लड़कियों, सबसे पहले मैं ढक्कन खोलूंगी, पता नहीं वहाँ क्या इंतजार कर रहा है। बस यह, मैंने इतना छोटा किंडर कभी नहीं देखा। किस्मत तुमसे नाराज है, मुझे सामान्य आकार का किंडर सरप्राइज मिला है। वाह, लेकिन कैंडी आज सबसे ज्यादा लकी है। अरे हाँ, मुझसे जलो दोस्तों, और नियमों के अनुसार जिसे कम मिला है वो पहले खाएगा। तो बेटी तुम शुरू करो। मैं इतने छोटे अंडे से रैपर को कैसे हटाऊं? मुझे शायद किसी टूल का उपयोग करना होगा, ये चिमटी मदद करेगी। हाँ, अब इसे खोल दिया। चलो, अब मैं इसे खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि मेरा किंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन मैं सूजी की किंडर क्यों नहीं ट्राई करती? क्योंकि सूजी तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी, मैं तुम्हारे बिना अपने अंडे को संभाल सकती हूँ। लगता है कि इसके अंदर एक गिफ्ट भी है, पता नहीं वहाँ क्या है। अब मैं चॉकलेट खाऊंगी और पता लगाऊंगी। यह रहा जिसका इंतजार था। आओ देखिए कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। कितना घिनौना, यह मॉन्स्टर चॉकलेट के पास था। ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, ये असली डेलिकेसी है। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद। ये सिर्फ घिनौना है। अब समय है आज की चुनौती में मुख्य किंडर को खोलने का। इस तरह के रैपर को तो खोलने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि मैं इसे कैसे खाऊं। अपने हाथों से ऐसी मोटी चॉकलेट को तोड़ना असंभव है। मुझे एक हथौड़ा का सहारा लेना होगा। हाँ, यह रहा, अब इसे मारती हूँ।
चलो ये टूट गया, आओ देखें कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह कितना सुंदर, देखो ये कितना प्यारा है, अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। जबकि कैंडी अपने नए दोस्त के साथ खेल रही है, हम उसकी चॉकलेट को आसानी से चुरा सकते हैं और इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। वाह अद्भुत स्वाद, हाँ ये तो कमाल का है, बढ़िया। रुको मेरी चॉकलेट कहाँ है? लड़कियों क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार मैं इसे पहले खोलूंगी। देखो ये एक लॉलीपॉप है और इसके अंदर मछली। कितना गंदा, मैं इसे खा नहीं सकती। पर तुम्हें यह करना पड़ेगा, चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह मेरे पास बिच्छू के साथ लॉलीपॉप है, डरावना। ऐसा लगता है कि इस बार हम सभी बदकिस्मत निकले। मेरा लॉलीपॉप छोटा है लेकिन इसके अंदर भी एक गंदी मक्खी है। तुम इस बार भी पहले खाओगी, अपने खाने का मजा लो। इस बेकार नियम को किसने बनाया? ठीक है जितनी जल्दी उतना बेहतर। रुको और मक्खी कहाँ है? मेरे मुंह में मक्खी उड़ रही थी, इससे घिनौना और क्या हो सकता है। सूजी अब तुम्हें बिच्छू वाला लॉलीपॉप खाना होगा। खाना होगा? वैसे मैं इसे खाना नहीं चाहती, पर इस लॉलीपॉप का स्वाद बहुत ही अच्छा है। इतना स्वादिष्ट कि मैं खुद को इससे दूर नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सूजी अंदर के सरप्राइज के बारे में भूल गई है। स्वादिष्ट, अरे मेरी जीभ पर क्या है? ओह कितना भयानक, मैं इसके बारे में कैसे भूल गई? इसने तो काटा भी नहीं। मैं बिच्छू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैंडी अब तुम्हारी बारी है। मैं मछली को छुए बिना लॉलीपॉप कैसे खा सकती हूँ? लड़कियों अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ, यह वास्तव में स्वादिष्ट है लेकिन मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा है और मैं मछली को किसी भी तरह से नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बस इसे हथौड़े से तोड़ना है। तो चलो अब मैं इसे तोड़ती हूँ, तड़ाम। अब मैं सुरक्षित रूप से कैंडी खा सकती हूँ और मुझे कोई डर नहीं होगा कि किसी समय यह मछली मेरे मुँह में होगी। वाह यह कैंडी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट लॉलीपॉप। मैं ये पूरी जिंदगी खा सकती हूँ और मैंने मछली को भी नहीं छुआ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें इसे भी ट्राई करना होगा। ट्राई करना होगा? क्या मुझे सच में ये करना होगा? खैर मैं सिर्फ एक बाइट लूंगी। एकदम बेकार, बहुत खराब। लेकिन यह काफी नहीं है, तुम्हें सब खाना होगा एकदम कांटे तक। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका पता है। छी यह घिनौना था लेकिन मैंने किया। लेकिन तुम्हें कांटा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। ओ मुझे माफ कर दो। दोस्तों इस बार मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। हुर्रे ट्विक्स, मेरा फेवरेट कैंडी बार। और मेरा भी, लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? क्योंकि मुझे बड़ा मिल गया है। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि विशाल है। कैंडी परेशान मत हो क्योंकि पहले चॉकलेट खाने का मौका तुम्हें मिलेगा। ठीक है ट्विक्स वास्तव में स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम इस ऐसे छोटे स्लाइस का भी मजा ले सकते हैं। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चिमटी के साथ खाऊंगी। वाह ये बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। अब आगे कौन खाएगा? चलो बेटी अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। अरे क्या कर रही हो, दोस्तों पर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं इस विशाल चॉकलेट बार के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। वाह इसका स्वाद तो कमाल का है, स्वादिष्ट। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी से संभाल सकती हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी से खा सकती हो? चॉकलेट के टुकड़े सभी ओर उड़ रहे हैं। ओह मैंने बहुत खा लिया, ये स्वादिष्ट था। लड़कियों तुम इतनी गंदी क्यों हो? हाँ तुम्हारे सारे चॉकलेट हमारे ऊपर जो है। माफ करना मैं जल्द से जल्द चॉकलेट खाना चाहती थी लेकिन तुमने इसे नहीं खाया। चलो खाओ, शायद कैंडी ने मछली खाने का जो उपाय लगाया था मुझे भी वैसा ही करना होगा। मुझे लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। हाँ ऐसे, यह स्वादिष्ट है लेकिन लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अब तुम बैटी जिराफ हो, अच्छी लग रही हो। हंसो मत, अच्छा होगा अपना ट्विक्स खाओ।
आसानी से। मुझे लगता है मेरे चॉकलेट के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक ही बार में दोनों स्टिक खा सकती हूँ। या क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्विक्स नुकीले दांत बन सकते हैं? बेटी बू बहुत डरावना, तुम वैम्पायर बिल्कुल नहीं दिख रही हो। खैर कोई बात नहीं, ऐसे खेले क्यों, मैं सिर्फ स्वादिष्ट चॉकलेट का मजा लेना पसंद करूंगी। वाह अद्भुत, मुझे लगता है यह मजेदार था और बेटी को सबसे ज्यादा मजा आया।